कक्षा चौथी पाठ बड़ी ई की मात्रा। बच्चों, अब तक हम आ और छोटी ई की मात्रा सीख चुके हैं। आज हम बड़ी ई की मात्रा सीखेंगे। पहले हम बड़ी ई के प्रयोग से शब्द बनाएंगे, जैसे ई ख ईख, ई द ईद, ना ई नाई, द वा ई दवाई, मिठाई मिठाई। स्वर ई की मात्रा का चिन्ह है ये। अगर हम इस मात्रा को किसी भी व्यंजन के साथ लगाते हैं, जैसे क जमा बड़ी ई, तो उसकी आवाज की सी ली ती हो जाती है। देवनागरी लिपि में बड़ी ई की मात्रा को गुरमुखी लिपि में बिहारी कहा जाता है। यह अक्षर के बाद लगती है। अब हम बड़ी ई की मात्रा के प्रयोग से शब्द बनाएंगे। खीर खीर, कली कली, गरमी गर्मी, खीरा खीरा। इसी तरह जीभ नीम चील, गीत नदी दही, परी घड़ी, मठरी बकरी, सर्दी धरती, तितली लीची, किकली गिलहरी। तो प्यारे बच्चों, ये हमने की आज बड़ी ई की मात्रा। समझ आ गई बच्चों? शाबाश, आज तो फिर अपने लिए तालियां बजा ही दो।